हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास 3440 ऑडियो एम्पलीफायर है। तो ये जो है 12 वोल्ट पे चलता है, इसमें जो है ट्रांसफार्मर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसमें हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 वायर वाला ट्रांसफार्मर लगाने वाले हैं। तो ये कैसे लगाते हैं इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम चेक कर लेंगे एम्पलीफायर को चलता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसमें पावर लगा देता हूँ। तो ये जो है बैटरी कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो है एक डायोड लगा हुआ है, तो बचे हुए डायोड भी होना चाहिए था पर यहाँ पे नहीं है। तो कोई कोई बोर्ड में सिर्फ एक ही डायोड होता है, ठीक है। तो किस किस बोर्ड में 4 डायोड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो 2 वायर पे चलता है, पर यहाँ पे 3 वायर पे हमें चलाने वाले हैं। तो कैसे चलाना है देखिए। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ इसे। तो मेरे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखिए इस तरीके से चालू हो चुका है। तो ये इस तरीके से ये जो है एम्पलीफायर है, ठीक है। तो अभी हम इसमें ट्रांसफार्मर लगाएंगे, तो इसे साइड कर देंगे। तो जैसे कि मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है, तो ये जो है 13013 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो उसके लिए डायोड हम लेंगे, तो ये हम 3 एम्पेयर के हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसका नंबर है 1N। तो देखिए यहाँ पे है 1N5402। तो अगर ये नंबर का अगर आपको डायोड नहीं मिलता है, तो उसकी जगह पे 1N5400 से लेकर 1N5408 तक डायोड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे डायोड हैं। इसे कैपेसिटर भी लगाना है, तो जैसे कि मेरे पास ये कैपेसिटर है, तो वैसे तो कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं है। ये जो बोर्ड पर एक कैपेसिटर होता है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है कैपेसिटर की, फिर भी हम लगाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमारे पास ये है 2 डायोड की ज़रूरत होने वाली है हमें, क्योंकि हमारे पास 13013 है। तो हमारा जो सर्किट है 18 वोल्ट तक चलता है, तो अगर ट्रांसफार्मर 18 वोल्ट का है वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम जो पॉजिटिव है इसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो हम अभी कैपेसिटर लगाएंगे, तो जो कैपेसिटर का जो वाइट पट्टा है, तो ये रहेगा नेगेटिव, ये रहेगा पॉजिटिव। तो ये डायोड का जो वाइट पट्टा है उसको हम पॉजिटिव लगाएंगे, तो ये इस तरीके से लगेगा। तो देखिए इस तरीके से ये जो है रेक्टिफायर लग चुका है। तो अभी हम यहाँ पे 13 13 13 के 2 वायर यहाँ लगाएंगे, और ये जो है 0 यहाँ लगाएंगे। तो ये रहेगा इस तरीके से। तो देखिए जो मिडल का वायर है वो नेगेटिव पे लग चुका है, और ये जो है 13 13 के जो वायर है डायोड से हम एक साइड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कैपेसिटर के जो वायर है, ये आउटपुट निकलेंगे, तो उसके लिए हम वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे वॉलेट का वायर है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव पे। तो देखिए इस तरीके से ये जो है हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अभी ये सिर्फ हमें बोर्ड पर लगाना है, तो इसे मैं साइड कर देता हूँ। और ये 2 डायोड की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 डायोड की ज़रूरत थी, हम ले लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा एम्पलीफायर है। तो इसमें जो है एक डायोड लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से जो बैटरी के कनेक्शन को अगर पॉजिटिव नेगेटिव ये वायर लगा देते हैं, ये सिस्टम अच्छे से चलेगा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे अगर आप बैटरी लगाते हैं तो उसमें भी पावर जाने लगेगा। तो वो पावर ना जाने के लिए यहाँ पे जो है एक डायोड दिया गया है। तो डायोड के जो पॉजिटिव वायर है, ठीक है, तो ये जो वाइट पट्टा है वहाँ पे हमें इसका पॉजिटिव लगाना है। तो इसे एक बार खोल देता हूँ। और इसका जो पॉजिटिव है, ये जो डायोड के पॉजिटिव पे लगा देता हूँ, क्योंकि ये जो है बैटरी का वायर इसमें जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पावर जाएगा, वापस ना आने के लिए यहाँ पे हम सप्लाई लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो ये सर्किट को भी मिलेगा पावर, और वहाँ बाहर भी आएगा पावर, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे। और ये रहेगा नेगेटिव।
तो इतनी सी वायरिंग थी यहाँ पे। और इसे स्क्रू से अच्छे से लगा देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगने वाला है, और ये अपने हिसाब से वायर हम कट कर लेना है और लगा देना है, और यहाँ पे हमें चिपका देना है, और ये इसको अच्छे से टेपिंग करके चिपकाना है। इसका वायर यहाँ पे स्पीकर को टच होने नहीं देना है और कहीं पे भी टच होने नहीं देना है। इसे अच्छा टेपिंग या कवर करके इसे अच्छे से यहाँ पे चिपका देना है फेविक्विक से, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें पावर लगाएंगे और रन करके देखेंगे चालू होता है या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है पावर के वायर लग चुका है। अभी मैं सप्लाई लगा देता हूँ, तो अभी देखिए तो यहाँ पे लाइट आ चुका है, प्ले बाय यूएसबी ड्राइव, आवाज़ भी आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।